चीन में पुलिस पर उतरा लोगों का गुस्सा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन रोकने पर बवाल हुआ। लोगों की भीड़ चीन की पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस की गाड़ी पलटकर उसके साथ सेल्फी भी ली लोगों ने। चीन में जिनपिंग सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बंदिशों के खिलाफ आखिरकार चीन के सब्र का बांध टूट गया। सड़क पर लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया और बीच रास्ते पर ही पुलिस की गाड़ी पलट दी। कुछ लोग पलटी हुई गाड़ी के साथ तस्वीर लेते नजर आए। ये तस्वीरें चीन के हेनान प्रांत की हैं। यहाँ की ज़ोकू सिटी में सड़क पर लोगों का संग्राम दिखा। ये सभी चीनी सरकार से पाबंदियों का विरोध कर रहे थे। दरअसल हेनान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से यहाँ कड़े प्रतिबंध लगे हैं। नए साल में लोग इस घुटन भरे माहौल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जब पुलिस ने रोका तो लोग भड़क गए। चीन में कोरोना की वजह से अब हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन चीनी सरकार दावा कर रही है कि हेनान में अब हालात बेहतर हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हेनान और शंघाई में हर रोज मॉर्चरी के बाहर शवों की लंबी कतार लगी है। चीनी सरकार अब ना मौत के आंकड़े सामने ला रही है और ना ही कोरोना संक्रमण पर गंभीरता दिखा रही है।